23 अप्रैल दिन मंगलवार को जेंटलमैन वेलफेयर फाउंडेशन शांति नगर द्वारा हनुमान जन्मोत्सव का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसे बतौर मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी उपस्थित हुई और मंच के माध्यम से उन्होंने वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को इस पावन पर्व की बधाइयाँ दी। 23 अप्रैल को भिलाई शहर सहित पूरे देश और दुनिया में संकट मोचन हनुमान जी का जन्मोत्सव पूरे धूमधाम से मनाया गया। इसी कड़ी में जेंटलमैन वेलफेयर फाउंडेशन वैशाली नगर भिलाई के द्वारा वैशाली नगर दुर्गा मंदिर में भी एक भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साय उपस्थित हुई, जिनके स्वागत सम्मान के बाद मंचीय कार्यक्रम के दौरान श्रीमती कौशल्या साय ने प्रदेशवासियों को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक बधाइयां प्रेषित की एवं बहुत ही सुंदर राम भजन की प्रस्तुति दी, जिसे सुनकर उपस्थित जन समुदाय राम नाम के नारे लगाने लगे। दो लाइन बोलो, वैसे बोले हैं दो शब्द कहे लेकिन मैं बहुत ज्यादा शब्द बोले हूँ। अच्छा, हमार साखी है यमला जीन था, कुनकुरी से है, यमन का सिया नागो बैठे हैं, बड़ माया करते हैं। अब यमन आगे नहीं आते, यमन का था मतलब कुनकुरी बुलावा तो बुला तो कोई बात नहीं, लेकिन भिलाई वाला छोड़ी तब तो राम जी के दो लाइन। राम 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 होवे हर घर में, राम 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 होवे हर घर में, अच्छी अच्छी प्यारी बातें आवे मोरे मन में, राम 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 होवे हर घर में, अच्छी अच्छी प्यारी बातें आवे मोरे मन में, राम जी का मंदिर होवे सीता मैया संग में, राम जी का मंदिर हो सीता मैया संग में, अरे हनुमान का पहरा हो उसे उन्होंने रखा साथ में। जो भगवान राम को लाए हैं उनको लाना है, सीधा संदेश आप लोगों को उन्होंने दिया। भाभी जी, वैशाली नगर विधानसभा में आप बैठे हैं, वैशाली नगर विधानसभा में पूरे जनता की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और ऐसे ही आप जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साई जी का साथ दे रही हर पल, वैसे ही इस प्रदेश में आपका भी साथ मिला है। आप आज के समय में प्रदेश की महिलाओं के लिए एक मॉडल के रूप में हैं, आप एक प्रेरणा स्रोत के रूप में हैं, एक मार्गदर्शक के रूप में हैं। और आज मंचीय कार्यक्रम की समाप्ति के बाद जेंटलमैन वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा महाभंडारे का आयोजन भी इस मौके पर किया गया था, जिस भंडारे में श्रीमती कौशल्या साय ने एवं वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने अपने हाथों से उपस्थित जनसमुदाय को भंडारा परोसा और उसके बाद संकट मोचन हनुमान जी के जन्मोत्सव का भंडारा स्वयं भी चखा। तत्पश्चात मीडिया से रूबरू होते हुए श्रीमती कौशल्या साय एवं वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने पूरे प्रदेश वासियों को आज के दिन विशेष की बधाइयां दी और अपनी बातें कुछ इस प्रकार से कहीं। सबसे पहले वैशाली नगर के इस पावन भूमि से, इस विधानसभा क्षेत्र से समस्त जनता जनार्दन को, भक्त प्रतिनिधियों को बहुत बहुत बधाइयाँ जन्म हनुमान जन्मोत्सव की, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। उनका जीवन बिल्कुल सुख शांति समृद्धि के साथ हो। और जैसे आज हनुमान जी का जन्मोत्सव है और यहाँ वाली जनता चाह रही थी कि हम आए, क्योंकि उन्होंने शायद हमें यूट्यूब के माध्यम से सुना हो और उनकी इच्छा थी कि हम बिल्कुल आए, और हाँ ना करते करते बिल्कुल हाँ करना पड़ा, क्योंकि अभी हम रायपुर में हैं। वो इस तरीके से आज आपके बीच में है और आप समस्त सखियों से मिल रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा। भगवान जी की का दर्शन करा, पूजा करा और इस तरीके से आज कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। आपका भी भंडारा का उसमें थोड़ा हाथ लगाने जा रहे हैं, उनकी इच्छा है कि अन्नपूर्णा माता रानी प्रसन्न हो जाए, तो आप प्रसन्न रखिए। आज हनुमान जन्मोत्सव में सबको मैंने बधाई दी है और बड़ा पावन पर्व है और इसको सब लोग बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। और ये भी प्रण ले रहे हैं, जो राम को लाए हैं उन्हें लेके आना है। और कहीं ना कहीं ये जो देश है सनातन धर्म वाला देश है और हिंदू परंपरा के अनुसार आज हनुमान जन्मोत्सव को लोग जो है बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। आज उनका स्वागत अभिनंदन हुआ, बहुत अच्छे ये वक्ता है और उन्होंने सारे विषयों को सामने रखा, सनातन धर्म को भी सामने रखा, हिंदू धर्म को भी सामने रखा, पार्टी की विचारधारा को भी सामने रखा, तो लोगों ने सबने सुना, बड़ा अच्छा लगा। आज हमारा तृतीय वर्ष था जेंटलमैन वेलफेयर फाउंडेशन का हनुमान जन्मोत्सव मनाने का, और आज हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय संरक्षक श्री कौशल्या देव साय अखिल भारतीय कंवर समाज को मुख्य अतिथि के
सम्मान में हमने इन्होंने बुलाया था और श्रीमती कुशल देव साय जी आकर उन्होंने अपना आशीर्वचन दिया। और ये भंडारा लगभग 10,000 व्यक्तियों का भंडारा है जो प्रातः 12 बजे से चालू कर शाम 8 बजे तक चलेगा। और कल 22 तारीख को हमारी संस्था द्वारा अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया जो कि 24 घंटे चला। उसके बाद में यहाँ पर हवन भंडारा हुआ, प्रातः अभिषेक हुआ। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है जिसमें कि आम जनता का सहयोग हमको भरपूर मिल रहा है और आगे भी हमारा जेंटलमैन फाउंडेशन इस तरह से हनुमान जयंती मनाता है और भी हम लोग दीगर सामाजिक कार्य, धार्मिक कार्य और समाज सेवा के कार्य करते, चाइल्ड वेलफेयर और गरीब कन्याओं के प्रोत्साहन, उनकी शिक्षा पर प्रोत्साहन, उनके स्वास्थ्य पर, हर जरूरतमंद के साथ हमारा संगठन, हमारा एसोसिएशन खड़ा है। 23 अप्रैल हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर पूरा भिलाई शहर श्री हनुमान जी के जयकारों से गूंजता रहा और भक्तगण श्री हनुमान जी के नारे लगाकर भक्ति के सागर में गोते लगाते रहे। ACN न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।